राजधानी भोपाल के कोलार थाना इलाके में लाखों रुपए की चोरी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के कब्जे से पूरा 51 लाख रुपए का मशरूका भी बरामद कर लिया है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र का कहना है कि कोलार थाना इलाके की राजपूत कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र परमार के घर चोरी का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि कोलार पुलिस थाना इलाके में जितेंद्र परमार राजपूत कॉलोनी में रहते हैं, वह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि जितेंद्र परमार किसी काम से दिल्ली गए हुए थे और घर पर सिर्फ उनकी पत्नी थी। इसी की नजाकत को देखते हुए महिला आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। उसने सोशल मीडिया से उसे जानकारी लगी कि जितेंद्र परमार अभी घर पर नहीं है। इधर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों का पता लगाना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से मिले और मनोवैज्ञानिक तरीके से भी पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें पूरा मामला साफ हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो वहीं चोरी की गई पूरी रकम भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसमें नकदी पैसों के साथ में सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। उन्हें एक्चुअली मुझे लंच पे बुलाया था, तो हम लोग लंच कराया, उसके बाद हम लोग को ऊपर भेज दिया, बोली हम शिमला मिर्च लेने जा रहे हैं, बस इस कारण वो चली गई है। और हमारे बैग से चाबी, बैग नीचे रखा था, चाबी लेके और वो निकल गई। उस टाइम वो हमसे बस 40 मिनट बाद ऊपर आई हैं, लोग बैठे, फिर हम घर गए। जब हमने वहाँ देखा तो हमारा लॉकर गायब था। एक्चुअली हमारे हस्बैंड लोग पार्टी में बाहर गए हुए थे, तो उसने उसका फायदा उठा के हम लोग से। आपने बताया था उसको कि जेवर भी और पैसे भी हैं? वो कभी कभी पूछते रहती थी क्या कैसा बिजनेस है, क्या तुम लोग कैश कैसे, ऐसे हमसे क्वेश्चन करती रहती थी। फ्रेंड्स में तो थोड़ी बहुत शेयर सब लोग कर देते। वो समथिंग एक साल हो गया होगा। हम लोग एक पार्टी में मिले हुए थे, हाँ, तो वो एकदम, वो 2-3 दिन पहले हमसे मिलने के लिए आई थी। इतना बड़ा अमाउंट किसकी जगह यहाँ पर आपने घर में क्यों रखा? सवाल पूरा करके जाइए, पूरा सवाल पूरा करके जाइए। इतना बड़ा अमाउंट घर में रखा था, राजेश कारण क्या? इसमें कुल जो है मिलाकर के 51 लाख रुपए की कुल चोरी है, जिसमें गहने भी हैं और इसमें नगद कैश भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी रकम जो कि उसने छुपा दी थी और प्रारंभिक तौर पे पुलिस को उसमें नहीं मिला था, पुलिस को इसमें लगातार पुलिस ने इसमें पूछताछ किया और छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ने के बाद इसमें टीम ने काफी बेहतर काम किया है। खासतौर पे जो एडिशनल डीसीपी और एसीपी हैं, थाना प्रभारी हैं, इन लोगों ने काफी बेहतर समन्वय के साथ काम किया और अंततः महिला की जो छोटी बातों में जो विरोधाभास था, कई बातों में जो पूछताछ में प्रारंभिक विरोधाभास है, उसको लेकर के पुलिस आगे बढ़ी और अंततः उसने पूरी तरीके से। सोशल मीडिया का हमारे जीवन में काफी हद तक प्रवेश हो गया है और लगभग आमतौर पर व्यक्ति अपने दिन की छोटी छोटी घटनाओं को भी लगातार अपडेट करता रहता है और हमें भी लगातार अपने परिजनों का चेक करते रहते हैं। लेकिन यह जो घटना है आज की, मुख्य तौर पर सोशल मीडिया पर घटना को अपडेट करने के कारण घटित हुई है। यह एक बड़ी घटना है जिसमें लगभग 51 लाख रुपए की चोरी है, लेकिन इस घटना का जो स्वरूप है वो सभी के लिए चेतावनी की तरह है। इसमें दो महिलाएं जो कि साथ रहती थी और उसमें एक व्यक्ति को, एक परिवार को लगातार छोटी छोटी घटनाओं को सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स पर अपडेट करने में लगातार उसमें दिलचस्पी थी, लगातार वो करते रहते थे। एक महिला जो कि आपराधिक प्रवृत्ति की है और लगातार ऐसी घटनाओं से नजर रखती है और पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं कुछ हुई हैं जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। इसने अब एक सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पर देखा कि परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनके पति और बाकी जो लोग हैं वो कहीं बाहर जा रहे हैं और घर में महिला अकेली है। इस बात को सोशल मीडिया से देखते हुए ये प्लान किया गया और एक महिला जो कि इनके परिवार के संपर्क में थी, जो आरोपी का जो परिवार था, उसने इस बात को प्लान किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिला उस दिन अकेली रहेगी, उस परिवार में जो वरिष्ठ लोग हैं या जो लोग जिम्मेदार हैं वो बाहर रहेंगे, इस बात का फायदा उठाते हुए उसने प्लान किया। उस परिवार को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित किया, भोजन पर आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के साथ ही उस दौरान बाहर बाजार का बता करके आरोपी चले गए और इस दौरान उसके पूरे घर को उन्होंने चोरी कर दी। पूरे घर के एक एक सामान जो कि कुल कीमत 51 लाख रुपए थी, पूरे घर में चोरी करके और वापस आ गए। इसमें जो फरियादी थे,
सामान्य तौर पर वो विभिन्न तरीकों के उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और उनको आशंका थी, लेकिन निश्चित तौर पर जाहिर है कि जिस व्यक्ति के साथ वो भोजन कर रहे हो वह उनके संदेहियों की लिस्ट में आखिरी लिस्ट में होगा, आखिरी सूची में होगा, क्योंकि उनको लगता है कि लगातार वो उसके साथ रह रहे हैं। लेकिन इस तरह का इन्होंने प्लानिंग किया कि उस पर शक न हो, शक न्यूनतम स्तर तक हो, और घटना के और लोगों के विभिन्न लोगों के लोकेशन के बारे में इन्हें चूंकि पक्की जानकारी थी, यह घटना शुरू में पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बनी रही। लेकिन इसमें DCP जोन 4 और एडिशनल CP और साथ ही साथ उस इलाके के जो पुलिस अधिकारी हैं, मुख्य तौर पर एडिशनल DCP जोन 4 महावीर और उनकी पूरी टीम के लगातार अथक प्रयास से पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली और लगभग एक बड़ी चोरी जो कि लगभग 51 लाख रुपए की थी और जिन परिस्थितियों में घटित हुई थी उस परिस्थितियों के कारण पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले का न सिर्फ पटाक्षेप किया है बल्कि इसमें गई हुई 51 लाख की पूरी रकम को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। अभी आपके सामने जो बहुत सारे गहने और जो नगद रकम मिली है उसी चोरी से जब्त किए हुए पैसे हैं और पुलिस की एक बड़ी सफलता है। इसमें पूरी टीम को 30,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।